बच्चों, एक था चूड़ा और एक थी चिड़िया। चिड़िया ने 4 अंडे दिए। अब बस उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे। चिड़िया ने कहा, आहा, आज कितना अच्छा दिन है, मेरा दिल तो खुशी से बेकाबू हो रहा है। आज अंडों से बच्चे निकल आएंगे, अल्लाह कैसे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे मेरे, नन्हे नन्हे, मुन्ने मुन्ने, छोटे छोटे। चूड़ा बोला, हाँ मेरा दिल भी बहुत खुश है, मेरे भी नन्हे नन्हे, मुन्ने मुन्ने, छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे। चिड़िया खुशी से बोली, अरे देखो एक अंडा चिटका, हाँ वो देखो इस अंडे में से बच्चा भी निकल आया, और देखो अरे दूसरा अंडा उसमें से भी बच्चा निकल आया, और अब तीसरा, अरे ये क्या, ये चौथा अंडा क्यों चिटका, बच्चा भी अंडे से निकल आया, मगर तीसरा अंडा क्यों नहीं। अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल हौल रहा है, पता नहीं क्या बात। चूड़ा भी पुरतश्वीश लहजे में कहता है, हाँ न जाने क्या बात है, चलो चलकर देखते हैं इस तीसरे अंडे में से बच्चा क्यों नहीं निकला। दोनों अंडे के पास पहुँचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चौंसे अंडे पर मारते हैं। चिड़िया बोली, सर आहिस्ता आहिस्ता चौंस मारो, कभी बच्चे को नुकसान ना पहुँच जाए। चूड़ा बोला, अच्छा लो ये अंडा तो टूट गया, हटाओ छिलका, बच्चा भी निकल आया। चिड़िया परेशान लहजे में बोलती है, अरे है ये आँखें मूंदे क्यों पड़ा है, अल्लाह खैर करे, हाँ जिंदा तो है अल्लाह का शुक्र एहसान, मगर कमज़ोर है बेचारा। चूड़ा बोला, हाँ शायद, मगर देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लगता है सुस्त है, काहल है, कामचोर बनेगा। चिड़िया बोली, अरे है क्या कहते हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कमज़ोर है बेचारा। दिन यूँ ही गुजरते जाते हैं, बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, घोंसले में खूब उछल कूद करते हैं। नन्हे मियाँ कहते हैं, बड़े भाईजान कितना मज़ा आ रहा है उछलने में। हाँ भाई वाकई उछलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये नन्हे मियाँ तो बस पत्ते की ओट ही में दबके रहते हैं, कभी कभार गर्दन निकाल कर देख लेते हैं, मालूम नहीं क्यों उन्हें उछलने कूदने से डर लगता है। छोटे भाईजान कहते हैं, अरे कमज़ोर है ना बेचारा। सब खिलखिला आके हंस पड़ते हैं। मुन्ने मियाँ भाइयों को मुतवज्जे करते हुए सरगोशी में कहते हैं, भाईजान भाईजान देखो नन्ने मियाँ पत्ते की ओट से हमें घूर रहे हैं, कैसे गुस्से में भरे बैठे हैं। नन्ने मियाँ गुस्से से, गुस्से में भरा बैठा हूँ, तुम लोग किसी के आराम का ख्याल नहीं करते, हर वक्त शोर मचाते रहते हो, कभी तो चैन से बैठ जाया करो। अरे नन्ने मियाँ तुम भी आ जाओ, कसम से बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ आ जाएं, आप तो हर वक्त बैठे ही रहते हैं, बोर नहीं होते आप। मैं तुम्हारी तरह वैसी नहीं हूँ, हर वक्त उछल फान करता हूँ। अरे मुन्ने मियाँ तुम जरा तमीज से बात किया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़ों की इज्जत किया करते हैं। मुन्ने मियाँ एहतियाजन, वाह वाह तुम कैसे बड़े हो गए, बड़ा तो मैं ही हूँ, दुनिया में मैं पहले आया था, पहले मैं अंडे से बाहर आया। नन्हे मियाँ बोले, इससे क्या होता है, बारी तो मेरी थी बाहर निकलने की, पता नहीं तुमको क्या जल्दी पड़ी थी, मगर अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बड़े बन बैठो। इतने में चुड़िया घोंसले में आती है। मुन्ने मियाँ चुड़िया से मुखातिब होते हैं, अम्मी जान आ गए आप, अम्मी जान आपसे हम एक बात पूछते हैं। हाँ हाँ पूछो क्या बात है। मुन्ने मियाँ कहते हैं, अम्मी जान नन्हे मियाँ कहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं, जबकि मैं उनसे पहले दुनिया में आया था। नहीं भाई बारी तो नन्हे मियाँ की थी, इसलिए वही बड़े हैं, तुम उनकी इज्जत किया करो। मुन्ने मियाँ रुहान से उठे, अच्छा अम्मी जान। बड़े भाई जान अम्मी की चोंच से दाना खींचने की कोशिश करते, अम्मी जान दाना मुझे दे। छोटे भाई जान ने अम्मी के चोंच से दाना खींचने की कोशिश की, नहीं अम्मी नहीं ये दाना मुझे दे दीजिए, मुझे ज़्यादा भूख लगी है। अरे हटो सब लोग, तुम तो छीन छपट करके पेट भर ही लेते हो, देखो मेरा नन्ना बेचारा भूख से निडाल हो रहा है, पत्थर के पीछे पड़ा हुआ है, हटो हटो, लो नन्ना मियाँ ये दोनों दाने तुम खा लो। अम्मी इसने तो अभी एक ही दाना खाया है, ये ना तो भूखा है ना कमज़ोर, काहल है काहल। चिड़िया बच्चे को छिड़क देती, अरे चुप, छोटे भाई का ख्याल नहीं रखते, देखो कितना कमज़ोर है, और हाँ मैं जा रही हूँ,
बाद में से तंग ना करना, तुम लोग बहुत शरारती होते जा रहे हो। चुड़िया उड़ जाती है। मुन्ने मियां इधर आओ, ये मेरी जगह साफ करो और ये पत्थर भी ठीक से खड़ा करो। जरा जल्दी से काम करो, काहिल कहीं का। मुन्ने मियां दिल में सोचते हैं, मुझे काहिल कहते हैं, खुद कितने काहिल हैं, बहरुल काहिल कहीं के। कहते हैं, क्या सोच रहे हो? देखो कहीं अम्मी दूर से नजर आ रही है। कहीं नहीं अम्मी नजर नहीं आ रही है, बस गुजरता जाता है। बच्चों के पर निकल आते हैं, सारा जिस्म परों से ढक जाता है, बच्चे खासे खूबसूरत हो जाते हैं। मुन्नी मियाँ बड़े भाई से कहते हैं, बड़े भाईजान, आपका सारा जिस्म तो परों से ढक गया है, वल्लाह आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं। बड़े भाईजान ने कहा, अरे मुन्नी मियाँ, तुम्हारी भी तो यही हालत है, जरा देखो तुम भी कितने स्मार्ट दिख रहे हो। चलो जरा बाहर उस शाख पे चलते हैं। छोटे तुम भी चलो। छोटे भाईजान, हाँ हाँ चलो। तीनों दरख्तों की शाख पर उछलते कूदते फिरते और खुशी से इधर उधर खुदकते हैं। अरे मुन्ने, जरा उधर घोंसले में तो देखो, नन्ने मियाँ मुंडेर पर आन बैठे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ मगर ये कभी हमारे पास नहीं आएंगे, बुजदिल है ना, काहिल भी बहुत हैं। छोटे भाईजान ने कहा, अरे देखो नीचे बिल्ली है, उसको देखकर इनकी कैसे जान निकल गई। सोच रहे हैं, हाय अल्लाह, अगर नीचे गिर गया तो खाला बिल्ली एक ही लुकमा बना लेगी। वो भागे, देखो बस घुस लिए अंदर, अब पत्ते के पीछे दबक कर बैठ जाएंगे। तीनों खिलखिला के हंस पड़ते हैं। मुन्ने मियाँ हंसी रोकते हुए, अरे देखो अब्बू अम्मी कुछ कह रहे हैं, जरा मैं सुनकर आता हूँ। चुड़िया बोली, नन्नी आओ बाहर निकलो, आकर देखो कैसा अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे भाई कैसे मजे से उछलते कूदते फिर रहे हैं, आ जाओ, शाबाश। नन्नी मियाँ बोले, इस वक्त तो धूप है अम्मी और अंधेरा भी होने को है, नीचे खाला बिल्ली भी तो बैठी है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। कोशिश नहीं करोगे तो कैसे उड़ना सीखोगे बेटे, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। चलो उठो, काहिल कहीं के कोशिश करो। मैं नहीं आता। अरे रहने भी दो, खामखा डांट दिया बच्चे को, कमजोर है बेचारा, वक्त आएगा तो उड़ना सीख लेगा। न जाने वो वक्त कब आएगा, तुम्हारी बेजा हमदर्दी ने उसे ज्यादा खराब कर दिया है। ये कमजोर है, कैसा हट्टा कट्टा है, काहिल कहीं का, बुजदिल कहीं का। चलो छोड़ो भी, आओ कहीं से खाने के लिए तलाश करते हैं। चलो, चुड़ा छुड़ी दोनों उड़ जाते हैं। नन्ने मियाँ गुस्से से, पता नहीं सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जब उड़ेगा तो उड़ भी लूंगा, क्या जरूरत है अभी, कोशिश करूं बिना वजह के, किसी दिन नीचे गिर पड़ूं और वो नीचे मोटी काली काला बिल्ली, उफ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये तसव्वुर करके। वक्त गुजरता रहता है, बच्चे दरख्त की शाखों पर फुदकते फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर। बड़े भाई कहते हैं, मुन्ने और छोटे आओ इस ऊपर वाली शाख पर चलते हैं, देखो मैं तो चला और उड़कर चला जाता है। आहा कितना मजा आ रहा है, आओ मुन्ने तुम भी आ जाओ, छोटे भाई पहले तुम चलो। अच्छा, और छोटा भाई उड़कर ऊपर चला जाता है। मैं भी आता हूँ छोटे भाई जान, कहता हुआ उड़ के छोटे भाई के बराबर शाख पर पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने से पहले पहले थक जाता है और नीचे गिर पड़ता है। अरे मैं गिरा भाईजान, अम्मी जान बचाओ बचाओ, मैं गिरा, अरे कोई है बचाओ। चुड़िया दूसरे दर से उड़ते ही आती है, हाय अल्लाह मुन्ना गिर गया, ए जल्दी चलो उसको ऊपर लाए, हाय अल्लाह मुन्ना गिर गया, काले बिल्ली तो कहीं गई नहीं है, जल्दी करो, अगर खुदा ना खास्ता आ गई तो। बेकार की जबान ना निकालो, अल्लाह ना करे ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, चलो जल्दी कोशिश करो। मुन्नी मियाँ को ऊपर ले आते हैं, चू चू करते मुन्नी मियाँ के पास आते हैं। चुड़िया परेशान लगे बोली, जल्दी करो मुन्ने, शाबाश, देखो यूं पड़ों को फैलाओ, हाँ यूं शाबाश ऐसे, और थोड़ा जोर लगाओ बेटे, हवा में उछलो, देखो मैं जैसा कह रही हूँ वैसी करो, शाबाश शाबाश। मुन्ना उड़ता है मगर फिर गिर पड़ता है। अम्मी उड़ा नहीं जाता मुझसे, पर दर्द दे रहे हैं, क्या करूं मैं, थोड़ी सी कोशिश करो बेटे, और कोशिश, शाबाश, देखो जरी सी कोशिश करो, सबसे नीचे वाली टहनी तक उड़ो,
जल्दी करो, कहीं खाला बिल्ली ना आ जाए। परों को फुलाओ, हाँ थोड़ा आओ, हाँ जोर लगाओ, ऊपर की तरफ उछलो और जोरों से परों को हवा मिलाओ, ऐसे, हाँ शाबाश, ऐसे और थोड़ा, वाह 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 वाह, हिप फुर्रे, शाबाश, हाँ और थोड़ा और ऊपर की जाने, शाबाश, अरे वो आ गई टहनी, हाँ देखो देखो पकड़ लो उसे पंजों से, ए शाबाश शाबाश, अल्लाह तेरा शुक्र है। चुड़िया इत्मीनान का सांस लेती है, मुन्ने मियाँ डाली पे बैठ जाते हैं। बड़े भाईजान मुन्ने मियाँ के पास पहुँचते हैं और उन्हें दरख्त तक पहुँचने की शाबाशी देते हैं। मुबारक हो, तुम्हारी जान बच गई, खाला बिल्ली कहीं गई ही थी, वैसे तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया, इतना ऊपर तो मैं भी नहीं हो सकता था। अल्लाह वाकई हिम्मत से काम करने वालों की मदद करता है, वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दान मदद खुदा। मुन्ने मियाँ हाँफते हुए, हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत जोर लगाना पड़ा, मेरे बाजुओं में तो दर्द हो रहा है। चलो भाईजान घोंसले में चलकर आराम करते हैं। बड़े भाई, हाँ चलो। चुड़िया, चलो मैं भी चलती हूँ। तीनों उड़कर घोंसले में पहुँचते हैं। वक्त गुजरता जाता है, दिन गुजर जाते हैं। बड़े भाईजान कहते हैं, आज मौसम कितना प्यारा है, कैसी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान भी बादलों से ढका हुआ है, कितने अच्छे हैं सुरमई सुरमई से बादल। मुन्ने छोटे, चलो सामने वाले दरख्त पर चलते हैं। दोनों मिलकर, हाँ हाँ चलो। तीन होते हैं और दूसरे दरख्त पर पहुँच जाते हैं। आहा, मज़ा आ गया, चलो वापस चलकर मुन्ने मियाँ को बुलाते हैं। तीनों उड़कर वापस घोंसले में पहुँचे। तीनों बेवकूफ शोर मचाते हैं, क्या मुसीबत आ गई है, क्या शोर मचा रखा है। आहा, आज हम तीनों उड़कर सामने वाले दरख्त पर चले थे, चले भाई आप भी, बड़ा मज़ा आया। चले रे, तू क्या कमाल कर दिया। कमाल नहीं तो क्या, जरा जाकर तो दिखाओ। जरूरत ही क्या है सिर्फ वो हरकतें करने की, और जो गिर जाते तो क्या, फिर उड़ जाते। फिर उड़ जाते, जब कोई काम अच्छी तरह आ जाए तभी करना चाहिए। मुन्ने मियाँ ने कहा, जब तक कोशिश ना की जाए कुछ नहीं आता, कोशिश करने ही से सब कुछ आता है। तुम चुप रहो जी, जरा सा उड़ना क्या आ गया, लगे इतराने इतराते ही चले जा रहे हैं। वक्त गुजरता रहता है, एक दिन दरख्त काटा जाता है। सब परिंदे शोर मचाते हुए हवा में तैरने लगते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नन्हे मियाँ घोंसले में बैठे, बाकी सब भाई उड़कर दूसरे दरख्त पर पहुंच चुके। चुड़िया बेताबी से कभी नन्हे के पास आती है, कभी उड़ जाती है, नन्हे को बाहर बुला रही है। नन्हे जल्दी करो, जल्दी करो, बाहर आ जाओ, देखो बेटे जल्दी, मेरे प्यारे मेरे लाल, तुम्हारे सब भाई सामने वाले दरख्त पर पहुंच चुके हैं और दूसरे सारे परिंदे भी जा चुके हैं, जल्दी करो जल्दी निकलो। अरे अरे वापस कहाँ चले जा रहे हो, अरे अरे हाय अल्लाह, दरख्त गिर पड़ा, हाय हाय, नन्ना भी दरख्त के साथ गिर पड़ा, हाय हाय, अरे अब क्या होगा, खाला बिल्ली बैठी हुई, हाय हाय, बिल्ली ने मेरे नन्ने को पकड़ लिया, हाय हाय हाय, बिल्ली ने मेरे नन्ने को हड़प कर लिया, हाय मेरा बच्चा, जालिम बिल्ली ने उसे हड़प कर लिया। चुप करो, अब रोने धोने से क्या फायदा, अब तो सब्र ही करो। अगर नन्ने ने कायली और सुस्ती ना की होती तो आज उसकी जान जरूर बच जाती, अगर हिम्मत करके वो कुछ उड़ना सीख लेता तो आज जिंदा होता। मगर वो तो कहता था कि वक्त आने पर सीख लूँगा, और वो वक्त कभी नहीं आया। सच कहते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि ये काम कर करूँगा या जब वक्त आएगा कर लूँगा, वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। कामयाब तो ऐसे ही लोग होते हैं जो हर काम करने की कोशिश करते हैं, जिनकी खुद एतमादी उन्हें हर काम का अहम साबित करती है।